हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, शिब्बू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम आपके लिए एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है चिकन करी। इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम आपको आज लाइन वाइज बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो पर एंड तक बने रहें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ऐड कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 डेगची में 1 चम्मच फूड ऑयल ऐड किया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़ पत्ते, 1 प्याज चॉप किया हुआ। प्याज गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। प्याज जो है गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। ये कोकन का स्पेशल मसाला है, इसमें सारे खड़े मसाले ऐड होते हैं। ग्राइंडर में जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। जिस ग्राइंडर में पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए भूनने के लिए रख देंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मसाला जो है भुन चुका है। अब हम इसमें 1/2 किलो चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है इसमें। हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक पका कर लेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमने यहाँ पर एक आलू लिया है जिसके हमने टुकड़े कर लिए हैं। अब हम उसको ऐड कर लेंगे इसमें। चिकन करी में आलू का स्वाद ज़्यादा ही बेहतरीन लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब हम आलू को जो है चिकन के साथ 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। हम इसकी कंसिस्टेंसी जो है ठीक ही रखेंगे। अब हम इसे और 5 से 6 मिनट तक पका कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और चिकन करी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को जो है वो ऑफ कर लेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो लीजिए गाइस, चिकन करी बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। तो गाइस, आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेहनत हमारी, रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल, खुदा हाफिज़।